लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। आरक्षण को लेकर छिड़े घमासान पर चिराग पासवान ने कहा कि ओबीसी और पिछड़ों के आरक्षण को छीनकर उसे धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगी के द्वारा किया जा रहा है। जिस संविधान का नाम लेकर ये लोग बार बार लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, दरअसल उसी संविधान में स्पष्ट तौर पर ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर किसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चिराग पासवान ने कहा कि कर्नाटक जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसी का आरक्षण छीन कर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की सोच रखता है। तरीके से ओबीसी का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीन कर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है। जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटका जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीन कर धर्म आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे 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 आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है, ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है। और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए जाए।